नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बिकॉज मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, यदि नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, 1300 में खरीदा, ठीक है, 3 गेंद और एक बल्ला 1300 में खरीदा। स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसको बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो चलिए जी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो बाबू सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है सॉल्व, क्या लिखिएगा, सॉल्व लिखिएगा। उसके बाद यहां पर लिखिएगा माना कि बल्ले की कीमत, माना कि बल्ले की कीमत बराबर में आपको एक्स रुपया मानना है। और यहां पर आप लोग को गेंद, बल्ला तो मान लीजिए, अब आप लोग को गेंद, गेंद की कीमत बराबर है वाई रुपया, इस प्रकार आप लोग मान लीजिएगा, है ना, तथा गेंद की कीमत वाई रुपया, इस प्रकार आप लोग मानिएगा। उसके बाद बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार चलना है। कहता है क्रिकेट टीम की एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। मतलब 3 वो बल्ला लेता है, 3 गो बल्ला लेता है और 6 गो गेंद लेता है और टोटल उसको देना पड़ता है 3900। तो बाबू बल्ला को हमने माना है x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 6y इक्वल टू 3900। यही ना होगा जी, यही ना होगा। इस दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, तो सर 3 कॉमन दिख रहा है, ये हो जाएगा 3 कॉमन, ये तो ये x हो जाएगा और ये सर 2y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 3900 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये बात आप लोग समझ गए ना। अब देखिए जी यहाँ पर इसे 3 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इसको काटिए तो ये 1300 आएगा, आएगा ना सर। तो एक्स प्लस का 2y इक्वल टू 1300 आ गया, आया ना। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको इक्वेशन फर्स्ट मानना है, समीकरण पहला मान लेना है, ठीक है। अब देखिए शर्त दूसरा, दूसरा शर्त, ठीक है, शर्त इसमें दूसरा क्या है जी, शर्त दूसरा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदा। मतलब क्या हुआ जी, एक्स प्लस का क्या गेंद देता है 3y, एक्स प्लस का 3y इक्वल टू कितना 1300। ये दोनों, ये दूसरा क्या हुआ जी, समीकरण बन गया। समीकरण पहला ये हुआ, समीकरण दूसरा ये हुआ, एक वो बल्ला लेता है, 3 गेंद देता है, टोटल 1300 रुपया देता है। अब देखिए बाबू करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 का हल करना है। तो x प्लस का 2y इक्वल टू 1300 है, तो अब आप लोग को x के जगह पर हम लोग 0 रखते हैं, ठीक है, ताकि y का वैल्यू आ जाए। तो 0 रखिए, प्लस का 2y इक्वल टू 1300, ठीक है। अब देखिए 0 प्लस का 2y इक्वल टू कितना होगा जी, 2y होगा और इधर 1300 हुआ ना। अब इधर देखिए 2 से इसको काट दीजिए, कितना आएगा 650, ये आ गया y बराबर 650, ठीक है। अब देखिए इधर क्या करना है, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसको लिखिए, समीकरण दूसरा क्या है, x प्लस का 3y इक्वल टू 1300, यही ना है। अब देखिए x प्लस 3y इक्वल टू कितना है जी 1300। अब आप लोग को करना क्या होगा जी, x बराबर में आपको वैल्यू रखना है, तो x बराबर में हम लोग क्या रख दीजिए, 100 रख दें, 2100 रखते हैं, प्लस का 3y इक्वल टू कितना 1300। अब देखिए 3y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस में सर 100, 3y बराबर में हो जाएगा सर 1200, क्या होगा जी 1200 होगा ना 1200। अब देखिए इससे कट जाएगा, आएगा 400, 450 ना आएगा जी, अरे 3 से ये गया 400 आएगा, ये y का वैल्यू हो गया, ठीक है। चलिए 100 रखिए तो आपका 400 आ गया। इसका एक दो और वैल्यू निकालिएगा, पहले यहाँ पर एक और दो गो है ना, अब मान सारणी बनाइए दोनों समीकरण के लिए, एक क्या मान सारणी बना दिए। अब देखिए मान सारणी बनाइए तो इसमें आप तीनों खटाल पहले बनाइए, तीनों खटाल बनाइए, ठीक है, दो गो डिब्बा बना दीजिए, दो गो डिब्बा कितना, इधर एक्स लीजिए इधर वाई लिखिए, इधर एक्स लिखिए इधर वाई लिखिए। अगर हम यहाँ पर एक्स का मान 0 रखिए तो वाई का मान 650 आया, इसको लिख दीजिए। अगर हम यहाँ पर एक्स का मान 100 रखते तो वाई का मान कितना आता सर, यहाँ पर अगर हम एक्स की जगह पर 100 रखते तो वाई का मान आता सर यहाँ पर 600, बिल्कुल आता भाई 600 बिल्कुल आता, क्यों जी, एक्स 100 है इधर जाएगा तो 1200 बचेगा, 2 से 1200 काटेंगे तो y का वैल्यू 600 आएगा। अच्छा इधर अगर हम लोग x का वैल्यू 100 रखते सर तो y का वैल्यू सर 400 आ गया। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 400 रखते, x का वैल्यू 400 रखते, 400 जाता तो बता 900 और इधर आ जाता आप लोग का 300, कितना आता जी 300। अगर 400 रखते तो 300 आता। तो चलिए जी अब हम लोग इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि ग्राफ पर इसको दर्शाते हैं। तो बाबू आप लोग को एक प्रकार इस प्रकार का एक ग्राफ पेपर ले लेना है, ठीक है, यही आप लोग को एग्जाम में भी मिलेगा, जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है ना फाइनल, उसमें इसी प्रकार का ग्राफ पेपर मिलता है। तो इसमें क्या करना है, पहले आप लोग को एक इंची ले लेना है, इंची की मदद से एक यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं इस रेखा को खींचिएगा, ठीक है, इस रेखा को यहाँ पर ऐसे खींचिएगा, बढ़िया तरीका से खींचते हम, ठीक है, आप लोग बढ़िया से खींचिएगा जी, हमको थोड़ा सा है ना यहाँ पर जल्दी जल्दी में थोड़ा सा है ना, चलिए देखिए यहाँ पर फिर भी प्रयास है। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, दो रेखा खींच लेना है, ठीक है जी। चलिए दो रेखा खींच लिए, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं,
यहाँ पर आप लोग को क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि इसका जो यहाँ पर हम लोग लिए हैं ये 100 और 400 मतलब ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू है, तो हमको यहाँ पर क्या लिख देना है ऊपर में, एक इकाई बराबर में, एक इकाई इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये 100 सेंटीमीटर हम लोग ले लिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर ये हो गया 0 और यहाँ पर हो गया 100, ये हो गया 200, यहाँ पर हो गया 300, ये हो गया 400, ये बिंदु 400 और ये बिंदु 500, ये बिंदु 600, ये बिंदु 700, ठीक है। उसी प्रकार इधर हो जाएगा माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, फिर ये माइनस का 400 और ये माइनस का 500। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा 100, फिर यहाँ पर 200, फिर यहाँ पर 300, फिर यहाँ पर 400, फिर यहाँ पर 500, फिर यहाँ पर 600, इस प्रकार लेना है। फिर नीचे भी उसी प्रकार ले लीजिएगा, माइनस का 100, माइनस का 200, फिर ये बिंदु माइनस का 300, ठीक है, माइनस का 400, फिर ये माइनस का 500, फिर ये माइनस का 600, इस प्रकार आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है जी। इस प्रकार हम लोग ले लीजिए। अब देखिए करना क्या है आप लोगों को, पहले देखिए एक्स पर अगर 0 रखते हैं तो ये आता है 650, बिंदु क्या जी 650, तो 650 है जी। तो आपको करना क्या है बाबू, यहाँ पर वाई पर आपको 650 दिखाना है, तो 650 कहाँ होगा जी, यहाँ पर 600 और ये 700 के बीच में जो ये पॉइंट है ये क्या होगा, 650 का होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा सर, ये 650 का होगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं 0650, यहाँ पर लिख लीजिएगा 0, 650, ये बिंदु हो गया 0, 650। अब देखिए दूसरा बिंदु कहाँ है जी, दूसरा 100, 600, एक्स अक्ष पर 100, एक्स अक्ष पर 100 और वाई अक्ष पर कितना है जी 600, वाई अक्ष पर 600, तो ये बिंदु हो जाएगा सर यहाँ पर, ये बिंदु कहाँ पर, यहीं पर ना होगा जी, यहाँ पर आप लोग ये बिंदु दे दीजिए, ये बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सर ये बिंदु यहाँ पर हो गया। अब आप लोग को करना क्या होगा जी, अब आप लोग को करना क्या होगा, इसको रेखा को खींच देना है, रेखा को खींच दीजिए, यहाँ पर हम लोग इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं, चलिए मिल गया। यहाँ पर तीरा बढ़िया से दिया कीजिए, हर हमेशा आप लोग जहाँ पर भी इसको है तीरा ऐसे बढ़िया से दे दिया कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब आपको यहाँ पर इसका जो समीकरण है वो लिख दीजिएगा, यहाँ पर 100 और 600 का बिंदु था तो इसको लिख दीजिए, इसका जो समीकरण था बाबू वो आपको यहाँ पर लिख देना है कि एक्स प्लस का 2y इक्वल टू 1300, ये समीकरण आपको लिख दीजिएगा। अब दूसरा समीकरण वाला हम लोग लिखते हैं, x पर 100 है और y अक्ष पर 400, x पर सर 100 है, y पर 400 है सर यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बिंदु हो गया पहला 100 और 400 का। चलिए दूसरा 400 300, x पर 400 लेंगे, y पर 300 आएगा जी, 400 लिए तो सर यहाँ पर 300 हो जाएगा। चलिए अब इसको भी यहाँ पर मिला देते हैं, इस दोनों बिंदु को भी यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं बाबू, तो मिला दिए भाई, तो इस दोनों को भी यहाँ पर मिला दिए, इसका समीकरण लिख दीजिए। तो इसका समीकरण क्या था, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, तो आप लोग को इस प्रकार बढ़िया तरीका से दर्शा देना है। तो बाबू इस प्रकार हम जो हैं इस क्वेश्चन को भी समाप्त कर दिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं हम लोग।